खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। लखनऊ पीजीआई प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बिना कोरोना वायरस टेस्ट के मरीज का ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, ये बड़ी लापरवाही है। ऑपरेशन से पहले कोरोना जांच रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया गया, यह सवाल है। पीजीआई के एमआईसीयू में भर्ती इस मरीज को किया गया था कैथ लैब में एंजियोग्राफी, पेसमेकर लगाया गया था और मरीज का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर फिलहाल तो क्वारंटीन कर दिए गए हैं। लेकिन यह बड़ी लापरवाही है पीजीआई प्रशासन की। बीते दिनों की बात करें तो पीजीआई की नवीन ओपीडी में भी कोरोना मरीज पहुंचा था, जिसके बाद पीजीआई की नवीन ओपीडी को सील कर दिया गया था। पीजीआई में मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद संक्रमण का जो खतरा है अब बढ़ गया है। पीजीआई में भर्ती मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब हड़कंप मच गया। पंकज हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या जानकारी है? तो बहुत बड़ी लापरवाही है अपने आप में, सब कुछ जानते हुए। एक तरफ कोरोना को लेकर सरकारें, प्रशासन सभी को अपडेट कर रहा है, जागरूक रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीजीआई प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है लखनऊ में। देखिए, सबको पहले ही इस तरीके के निर्देश दिए गए थे कि कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है तो उसको अगर देखें उस तरीके के लक्षण या ऐसी कोई चीजें हैं तो उसकी पहले रिपोर्ट जांच की जाए या एहतियात के तौर में अलग वार्ड में रखा जाए। लेकिन एक जो मामला पीजीआई का आया है, पीजीआई का जो सबसे हाई स्पेशलिस्ट कोविड के लिए हॉस्पिटल बनाया गया था, वहाँ एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक जो ऑपरेशन एक मरीज का किया गया, उसका कोरोना टेस्ट नहीं किया गया और बाद में जब सैंपल भेजा गया तो उसकी जांच रिपोर्ट के जो है पॉजिटिव आई। पीजीआई के एमसीयू में भर्ती किया गया था मरीज, इसके बाद जो डॉक्टर और जो भी स्टाफ थे उसमें हड़कंप मचा हुआ है। तो एक बड़ी लापरवाही पीजीआई सामने आई है, क्योंकि अगर इस तरीके से ऐसे इलाज तो होता रहेगा तो अधिकतर डॉक्टर संक्रमित हो जाएंगे या डर जाएंगे। इसको लेकर के अब बड़ा सवाल उठ रहा है, खास करके जो पीजीआई जैसे हॉस्पिटल में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की गई, जो खास करके कोरोना पॉजिटिव के लिए कोविड-19 के लिए को देखते हुए वहाँ असल अलग से एक हॉस्पिटल बनाया गया था कोविड-19 से लड़ने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले के बाद क्या कह रहे हैं पीजीआई के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इतना बड़ा खतरा पहले देश पर मंडरा रहा है और दूसरी तरफ अस्पताल में खासतौर पर इतनी बड़ी लापरवाही? देखिए, अभी पीजीआई प्रशासन इससे बोलने से कतरा रहा है। फिलहाल ये कहाँ से कैसे गलती हुई इसकी जाँच इंटरनल तौर पे वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी खुल करके कोई बयान सामने देने या बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पे अभी प्रशासन पीजीआई चुप्पे साधे हुए। चलिए, शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये आप देखिए, बड़ी लापरवाही है। पीजीआई के आईसीयू में भर्ती कराया गया था मरीज, ऑपरेशन किया गया लेकिन बिना कोरोना टेस्ट के, और उससे बड़ी खबर यह है कि मरीज का जब कोरोना टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव आया। तो बिना कोरोना वायरस टेस्ट के मरीज का ये ऑपरेशन किया गया लखनऊ से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन के बाद मरीज की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। फिलहाल जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उसे क्वारंटाइन कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों ऑपरेशन से